आप लोग देखिए ये वेबसाइट है, ठीक है, इनकम टैक्स, इसको आप लोग इस पे आना है, फोन करके इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोग को चेक करना है क्या, लिंक आधार स्टेटस, आप लोग का लिंक आधार से कनेक्ट है कि नहीं, कैसे चेक करना है पहले यहाँ देखिए। यहाँ आप लोग को पैन नंबर डालना है, फिर इसके बाद आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। स्टेटस जो है हमारा यहाँ पे देखिए, हमारा लिख के आ गया, ठीक है, नॉट लिंक। अब क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे लिंक आधार पे ऑप्शन दे देता है, आप लोग इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर से आप लोग को यहाँ पे पैन नंबर डालना है, बिल्कुल सही सही डालना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है, ये हो गया। फिर आप लोग को यहाँ पे वेलवाइट पे क्लिक करना है, वैलेट पे क्लिक करना है, हाँ, फिर आया इस पर क्लिक करना है, आ गया, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आप लोग को यहाँ पे पैन नंबर बिल्कुल सही सही डालना है, फिर आपको कन्फर्म डालना है यहाँ पे, फिर आप लोग को यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है जिस पे आप लोग को मैसेज जाएगा। अब इसके बाद आप लोग को कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आप लोग को मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, आप लोग को ओटीपी एक्सपायर यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, 3 बार आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओटीपी आने के बाद इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे करने के बाद देखिए सक्सेसफुली हमारा आ गया यहाँ पे लिख कर, यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे पैन नंबर आ गया, फिर इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरह का आएगा, आपको ये वाला प्रोसेस आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। प्रोसेस पे क्लिक करना है, यहाँ पे ईयर आप लोग को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ईयर आ गया 23 से 24। फिर यहाँ पे आप लोग को ये अदर रिसिप्ट 500 पे क्लिक करना है, फिर आप लोग को कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए कंटिन्यू पे करने के बाद आप लोग को यहाँ पे डिटेल्स 1000 रुपये, यहाँ पे देखिए सारा टैक्स सब सब हो गया। फिर इसके बाद आप लोग को कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर पे क्लिक करने के बाद आप लोग को इस तरह पेमेंट मेथड आ जाएगा, तो कोई सा मेथड आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए नेट केयर हो, नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ठीक है, पेमेंट बैंक हो गया, NEFT हो गया, एंड पेमेंट गेटवे हो गया। तब इसके थ्रू इसमें पेमेंट बस इस पर करना है, क्या ना मान लें नेट बैंकिंग है तो इस पर क्लिक करना है, जो भी बैंक है उस पर इस पर क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर देखिए आपका डिटेल आ गया, फिर पे नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे आएगा, फिर एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, फिर सबमिट, बैंक पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आप लोग को देखिए जो है बैंक है वो चूज कर लेना है, फिर इसके बाद यहाँ से पे करना है, बस यहाँ पे लॉगिन डालिए, पासवर्ड डालिए और पेमेंट कर दीजिए, बस हो गया, सिंपल, और कुछ नहीं करना है इसमें।